जिले के मध्यग्राम से खबर है। यहां पर आंधी तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ, कई घरों की छतें उड़ गईं, कई कच्चे मकान गिर गए। इसके अलावा और भी काफी नुकसान ग्रामीण इलाकों में हुआ है। आपको बता दें, बिजली पोल गिरने से करीब 22 घंटे तक यहां पर बिजली आपूर्ति बंद रही। इस तूफान में कई ग्रामीणों के आशियाने छिन गए। इसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी क्षतिग्रस्त पोल को बदलने के काम में जुट गए। वहीं भोपालपट्टनम तहसीलदार भी तूफान में हुए नुकसान का मूल्यांकन करने में लगे हुए हैं। पीड़ित परिवार को उन्होंने जल्द मुआवजा देने की बात कही है। जो मध्य टाउन के लिए जो सप्लाई आता है 11 KV, उसमें अभी हम लोग सर्वे किए हैं तो उसमें 37 पोल आ रहा है, और कुछ जो पटनम के लिए मतलब ग्रामीण साइड जो जाते हैं दूधेड़ा गोटाईगुड़ा वगैरह, गोटाईगुड़ा बोलता हूँ, पटनम के गांव जो जैसे गोरला हो गया और दूधेड़ा हो गया, दम्पाया हो गया, उसके लिए भी एक लाइन जाती है 11 के, उसमें भी क्षति हुए हैं। तो दोनों मिला के अभी 37 पोल का हुआ है अभी मतलब सर्वे। और जो घर के लिए जो जाती है लाइन LT लाइन, उसमें भी बहुत सारे हो गए, तो उसके अभी सर्वे कर रहे हैं। अभी हम लोग 11 के भी कुछ खड़ा करके ये मध्य के टाउन को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं अभी।